हाल है भाई साहब? खरीयत है? ठीक ठाक, साफ होना है। क्या चाहिए आपको भाई जान? मेरे को पौधे चाहिए। किस किस्म? और पौधे भी मिक्स लेने हैं, अच्छे अच्छे किस्म के। कौन से वाले? बोगनवेलिया भी लेनी है। अच्छा, मैं आइए आपको दिखाता हूँ। अलमंडा बेल भी लेनी है। और किधर गया? इधर आ, इसको दिखा, बोगनवेलिया दिखा, इंपोर्टेड वाली अच्छी वाली दिखा। ये देखो भाई, ये सदा बहार है, सीजन वाला सदा बहार है भैया। हां, बोगनवेलिया ये है, ये बोगनवेलिया है। हां, ये बोगनवेलिया। और क्या नाम है? चंपा कैसे दे रहे हो? चंपा इसको पकड़। चंपा है 500 का है। 500 ले। अच्छा, 500 का है। और नींबू भी लेने हैं, चंपा भी लेने हैं। हम लोगों ने काफी सारे पौधे लेने हैं। इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये नींबू है, ये देसी नींबू है, पंजाब वाला है। मेरे साथ मैडम आई हुई है, मेरी गाड़ी में बैठी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ भाई, इसलिए मैं पहले आया हूँ, आपको तो पता है ना मैं माली है। तो बात ये है कि कुछ हमारा ख्याल रखना। नहीं, वो हमें पता है, हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे, वो मसला नहीं है, क्योंकि हमारा ख्याल अच्छे पौधे देंगे, अच्छी है। अगर आप आज हमारा ख्याल रखेंगे तो कल फिर हम आपके पास आएंगे, समझा कर ना? ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं भाई। आपको जो चाहिए, कुल मोर चाहिए, जो भी चाहिए। ऐसा करता हूँ, पौधे मैंने देख लिए सारे, तो पसंद कर लिए, बाकी पसंद करने हैं मैडम ने, ठीक है, तो मैं उसको लेके आता हूँ। ठीक है, हमारा ख्याल रखना, बुला उसको, बुला ले ले। नहीं, हम आपको ख्याल करेंगे भाई जान, कोई मसला नहीं। चलो, अच्छे अच्छे पौधे निकाल बाहर। बात यह है कि पौधे पता करके आए हूँ नर्सरी से, और बंदा अच्छा है, बाकी आप चले मेरे साथ, आपको मैं पौधे दिखाता हूँ, और आप पौधे चेक। चलो बेगम आओ। जहाँ से नर्सरी शुरू होती है, ये देखो बेगम, पौधे चेक करो, जो पसंद आ रहे बता दो, खुद पसंद करो, क्योंकि मेरा काम है लेके आना, मैं लेके आया हूँ आपको। अपने पौधे देख लिए? पहले वहाँ से शुरू होते ना, पौधे देखते ना, सईद भाई बेगम आओ, पसंद करो पौधे। देखो मालिक, मेरी बात सुने आप समझदार बंदे, आप अच्छे अच्छे पौधे निकाल ले, सही है। और जो भी सही होगा, क्योंकि मेरे स्किन खराब हो रही है, मैंने स्किन पे एरोविला लगाना है, एरोविला वगैरह निकाले, अच्छे अच्छे पौधे माली जी, जी। बात सुने, अच्छे अच्छे पौधे जो आप खुद समझदार है ना, बाजी मेरी बात सुनो, ये पौधा अच्छा है, चंपा इसका नाम है, एक तो होता है इम्पोर्टर में, एक होता है लोकल में जी। जो लोकल में चंपा होता है वो सही वजह से बात है ना, जो लोकल में चंपा होता है उसके फूल बड़े बड़े होते हैं। ये ड्रॉप वाला है, किस तरह छोटा होगा, फूल देगा और लाइफ टाइम चलेगा जी। ये अच्छा पौधा है, और इसके अलावा और भी पौधे मैंने दिखाए थे, ये नींबू पड़ा है, ये नींबू भी मोटा वाला है। ये देसी नींबू बोलते हैं, पंजाब का नींबू, ये 12 महीने चलता है ना सही, 12 महीने चलने वाला है ना। इसके 4 पौधे निकाल लेना, इसके 4 पौधे हो गए। और चंपा के कितने हैं बाजी जी? कोई निकाल लो, 7-8 पौधे उसके निकाल लो। अच्छा, और जो है ना ये निबना पड़िए, इसका जो है ना बहुत ज्यादा। मेरे बात सुनो आप खुद समझदार बच्चे हैं, मैं था कि आप और भी दिखा दो, इंडोर प्लांट दिखा दो। अजी हाँ जब यही निकाल भाई निकाल ले। और ये क्रोटन के पौधे हैं, इसकी हेड सही भाई चलते हैं, और इसकी हेड ऐसी होती है या बड़े होते हैं? कुछ हेड बड़ी मिल जाती है, ग्रोथ ज्यादा करता है। हाँ, एक बड़ा वाला ना, अच्छे पौधे हैं। इसके कितने गमले लगाने चाहिए? क्योंकि हमने आपको तो पता है ना भाई, बात सुने में आपको पता है कि घर आप लोगों ने नया बनवाया है, तो मैं चाहता हूँ कि उस हिसाब से नया घर हो तो पौधे भी अच्छे लगने चाहिए, तो घर के हिसाब से माशाल्लाह। समय माली, आप खुद समझदार हो, आप जो अपने हिसाब से पौधे ले लो, आपने लगाने जी जी। हमें जो है खूबसूरती चाहिए जी जी, मैं वही बात। हाँ, खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा है हमारा गेस्ट देखने के लिए खुश हो जाए, मेहमान आ जाएगा तो देखो तो माशाल्लाह घर जैसे अच्छा है, तो पौधे भी अच्छे हैं, ऐसा हिसाब होना चाहिए जी जी। और पौधे अगर आपने पसंद करने, तो ये पाम का क्या रेट भैया? ये पाम आपको मिलेगा 15,000 रुपए। 15,000 में ये मैं चाहता हूँ सर जी, इसको इस पाम को हम लगाएं कि जैसे दरवाजे पे चलते हैं ना, अंदर जाते दाखिल होते हैं, हाँ। तो उसके सेंटर में जहाँ कोना सामने लगा हुआ है ना, कोने में लगाना चाहिए इस पाम को, क्योंकि पाम बहुत अच्छा ठीक है। ये भी 2 लगा दो, फिर 2 लगा दे सर। ये क्रोटन जो है ये आपको 1500 में मिल जाएगा, और ये जो है छोटा 10 इंच की चलेंगे ये आपको मिल जाएगा 500 रुपए। बस ये निकाल ले और 4 वो निकाल ले, सही है। और मैं कहता हूँ
हाँ भाजी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि इसकी, मैं तो कहता हूँ ये दो होने चाहिए ताकि बराबर लगे ना दरवाजे के सामने, एक इधर से एक इधर से। हाँ ठीक है, हाँ आप अपने हिसाब से देख लो जी। हाँ आप इस अपने हिसाब से देख के उस तरह उठा लो।